27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ। 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में जन्मे नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। साल 1912 में भारत लौटने के बाद वे सीधे राजनीति से जुड़ गए। 1912 में ही उन्होंने एक प्रतिनिधि के रूप में बांदीपुर सम्मेलन में हिस्सा लिया और साल 1919 में इलाहाबाद के होम रूल लीग में सचिव बने। नेहरू जी ने साल 1920 में यूपी के प्रतापगढ़ जिले में पहले किसान मार्च का आयोजन किया। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान वे जेल भी गए। नेहरू जी 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने। साल 1928 में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की और इसके महासचिव बने। 1929 में नेहरू कांग्रेस के लाहौर सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, जिसका मुख्य उद्देश्य था देश के लिए पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना। 6 जुलाई 1946 को वे चौथी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। साल 1951 से साल 1954 तक 3 बार फिर से वे इस पद के लिए चुने गए। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान पंडित नेहरू ने भारत को युद्ध में हिस्सा लेने के लिए मजबूर करने का विरोध करते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह किया, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी भी हुई। देश आज़ाद होने के बाद जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक देश की कमान संभाली।